नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। उड़ी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से रात भर हुई फायरिंग, भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। नगरोटा में चौथे आतंकी की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। कल नगरोटा में शहीद हुए थे 2 मेजर समेत 7 जवान। नगरोटा में आज सुरक्षा की समीक्षा करेंगे आर्मी चीफ। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में छाया घना कोहरा। कोहरे के साथ ठंड ने दी दस्तक। कोहरे की वजह से हवाई और रेल यातायात सेवा बाधित। इटावा में 3 ट्रकों के बीच भिड़ंत, हादसे में 1 की मौत। जनधन खातों में अमीरों का पैसा जमा होने की आशंका के चलते RBI ने जारी किए निर्देश। फिलहाल जनधन खातों से हर महीने निकाल सकेंगे सिर्फ 10,000 रुपए। नोटबंदी का 22वां दिन, आज संसद में बोलेंगे PM मोदी। विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली। नोटबंदी के विरोध में आज ममता बनर्जी पटना में करेंगी प्रदर्शन। ममता ने लालू यादव से की मुलाकात। ब्राजील की फुटबॉल टीम के दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद। अब हादसे की वजहों का होगा खुलासा। कल हादसे में 75 लोगों की हुई थी मौत, 5 लोग जिंदा बचे। और क्रिकेटर युवराज सिंह और अभिनेत्री हेजल कीच की मेहंदी की रस्म में पहुंची टीम इंडिया। सेरेमनी में खास और परिवार के लोग थे मौजूद। आज होगी शादी। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।